नासा का मिशन है अज्ञात का लेखा जोखा लेना। हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम नहीं जानते। ब्रह्मांड की फितरत ऐसी ही है। जवाबों की खोज में ये वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष यानों को हमारी सौर प्रणाली के छोर से भी आगे पहुंचाता है। जोखिम उठाना खोज करने से जुड़ा एक काम है। अंतरिक्ष की खोजबीन माचिस की तीली जलाने जैसा है। हमें नहीं मालूम कि अंधेरे में क्या कुछ मौजूद है। ये है क्या? वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अंतरिक्ष में मौजूद रहस्यमय यान और चिन्ह, लाखों सालों तक जिंदा रहने वाले एलियन, दुनियाओं को तबाह कर देने वाली जानलेवा किरणें, नासा के अभियानों के दौरान ऐसी बहुत सी परेशान करने वाली गड़बड़ियों का पता चला है। हमें तीन या चार चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, यहाँ तीन चीजें हैं। और ये गड़बड़ियाँ हमारे बेहतरीन वैज्ञानिक को परेशान कर रही है। तो आइए देखते हैं साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज। तीन चीजें अंतरिक्ष में त्रिभुज के आकार में उड़ती नजर आती है। हाँ, पक्की बात है कि मैंने शटल के बाहर ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी। नासा के मुताबिक ये अंतरिक्ष में तैरता मलबा है। अगर ये सिर्फ मलबा है तो उन्होंने इसे फिल्माया क्यों? नई खोजें पहले से ही कोई नतीजा तय करने से नहीं होती। आपको हर संभावना के लिए दिमाग खुला रखना पड़ता है। लेकिन पहचान में न आने वाली ये चीजें एक पूरे शटल मिशन के लिए खतरा बन सकती है। हमें तीन चार चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, यहाँ तीन चीजें हैं। ओके, अब हमें P5 को बदलकर J5 करना है। 20 सितंबर सन 2006। आपकी अगली मंजिल है आउटबोर्ड 1 H12। हाँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मजाक तो नहीं कर रहे? स्पेस शटल अटलांटिस पृथ्वी पर लौटने की तैयारी में है। इसके क्रू पिछले 12 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जोड़ने का काम कर रहा है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ओके, जिस दिन शटल को पृथ्वी पर लौटना था उससे पहले वाले दिन कमांडर ने कोई ऐसी चीज नजर आने की खबर दी जिसे पहले नहीं देखा गया था। ये कोई चमकती हुई चीज है। मिशन कंट्रोल ने कमांडर ब्रेंट जेट से इसके बारे में और जानकारी देने को कहा। ये एक ऐसी चीज है जो ना तो ठोस लग रही है और ना ही धातु से बनी हुई है। ये पक्की बात है कि मैंने शटल के बाहर ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी। फिर मिशन कंट्रोल ने पेलोड बे कैमरे का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और तब हालात सचमुच दिलचस्प होने लगे। हमें तीन या चार चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, यहाँ तीन चीजें हैं। अजीब बात थी कि तभी इन चीजों की तादाद बढ़ गई, ऐसी दो चीजें वहां और आ गईं और उन्होंने त्रिभुज जैसा आकार बना लिया। 20 मिनट तक अटलांटिस आसमान में इन चमकती रोशनियों पर नजर बनाए रहा और ये तस्वीरें मिशन कंट्रोल तक पहुंचती रही। आपने जो वीडियो भेजी है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। वीडियो की जाँच फौरन होने लगी और इंजीनियर ये जानने में जुट गए कि आखिर ये क्या चीज थी। जब इन चीजों की दिखने की खबर मीडिया तक पहुंची, तो सनसनी पैदा हो गई। ये जो तीन चीजें नजर आई हैं, हर कोई इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। ऐसे अनजान अंतरिक्ष यानों के बारे में कहानियां सुनने में आती रहती हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों से मिली जानकारी पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहलाने वाली चीजों का आम आकार त्रिभुज जैसा माना जाता रहा है, तो ये ब्यौरा इन चीजों से मेल खा रहा था। इन हिलती डुलती चीजों को देखकर नासा को लगा कि ये अंतरिक्ष में तैर रहा मलबा था जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। अगर आप वैक्यूम में उड़ रहे हैं तो अंतरिक्ष में मौजूद चीजें अक्सर एक साथ ही बनी रहती हैं, और अगर तीन चीजें हों तो हमेशा त्रिभुज बनेगा ही। लेकिन इस सरकारी बयान से सब लोग सहमत नहीं थे। नासा ने अंतरिक्ष में मौजूद जिस मलबे की बात की है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इन लोगों को अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को पहचानने के काबिल होना चाहिए। आखिर ये अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्हें इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन नासा को वाकई ये शक था कि ये चीजें अंतरिक्ष में मौजूद मलबा थी और उसे इन्हें लेकर चिंता थी, क्योंकि 3 साल पहले
किसी ऐसे शटल के मलबे की वजह से ही शटल कोलंबिया बर्बाद हुआ था। STS-107 फ्लाइट के दौरान हुई गड़बड़ी के कारण हमने कोलंबिया को गवा दिया था, लिहाजा नासा मलबे के हर टुकड़े को लेकर बहुत गंभीर है। नासा को डर था कि अटलांटिस किसी महत्वपूर्ण मशीन के टूटकर अलग हुए हिस्से को देख रहा था। मिशन कंट्रोल में हम शटल के आसपास तैरती किसी भी चीज की तस्वीरों को पाना चाहते हैं, खासकर अगर ये चीज शटल से टूटकर अलग हो गई हो तो। 2003 में हमने जिस चेतावनी को अनदेखा किया था, हम चाहते हैं हमें बार बार ऐसी चेतावनियां मिले, हम उसके बारे में पता लगाएं, उनकी खबरें दे पाएं और समय रहते कोई कार्रवाई कर पाएं। नासा को ये पता नहीं चला कि ये चीजें हैं क्या, लिहाजा उसने कोई जोखिम नहीं उठाया। हमने जो चीज देखी थी उसके आधार पर नासा ने अगले दिन पृथ्वी पर लौटने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। अब हमें ऐसा मौका फ्लाइट के 13वें दिन मिलने वाला। अटलांटिस, वी कॉपी। नासा ने लैंडिंग में देरी कर दी ताकि इस बात की जांच हो सके कि अटलांटिस में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। हम मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन से बोल रहे हैं, जांच पड़ताल से पता चला है कि अटलांटिस की हीट शील्ड सही सलामत है। इस मामले में इस बात की ज्यादा संभावना है कि कोई मामूली चीज इत्तेफाक से शटल से टूटकर अलग हो गई हो। मुझे लगता है नासा का यही फैसला है। चमकती रहस्यमय रोशनियों की नजर आने के एक दिन बाद STS-115 को आखिरकार लैंड करने की इजाजत दे दी गई। 24,640 किलोमीटर प्रति घंटा, करीब 68 मीटर। बाद में जब नासा ने अटलांटिस की जांच पड़ताल की तो उसने एक सूक्ष्म उल्कापिंड के उसके टकराने की पुष्टि की। लैंडिंग हो गई, स्वागत है पृथ्वी पर सही सलामत लौटने की बधाई। कोई नहीं जानता कि इसका संबंध क्रू द्वारा देखी गई त्रिभुजाकार आकृति से था या नहीं, लेकिन नासा के एहतियात की वजह से शटल सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आया। अटलांटिस से कमाल का यान है, ये जरूरी था कि वो ठीक से काम करे और उसने किया। लेकिन त्रिभुज ही अंतरिक्ष में नजर आने वाले अजीब चिन्ह नहीं है। अंतरिक्ष में भटकते क्षुद्र ग्रहों की खोज में जुटे एस्ट्रोनॉमर्स को एक घटना ने हैरत में डाल दिया। ये क्या चीज है? कुदरत की ही कोई शक्ति या कोई अजीब चिन्ह? ये कुदरती तौर से बनी कोई चीज नहीं लग रही जो अंतरिक्ष में किसी जगह की निगरानी ही कर रहा है। वाह, जरा देखिए तो, लग रहा था जैसे किसी ने आसमान में एक्स चिन्ह बना दिया हो कि देखो यहाँ कुछ दिलचस्प है। किट पीक ऑब्जर्वेटरी, एरिजोना। एस्ट्रोनॉमर जिम स्कॉटी ने अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहे एक अजीब से दिखने वाले कॉमेट के बारे में सुना। उन्होंने इसे देखने की सोची। मैंने 1.8 मीटर के अपने टेलीस्कोप के जरिए कुछ तस्वीरें ली और मुझे वाकई कुछ अजीब नजर आया। ये चीज उनके द्वारा देखे गए किसी भी कॉमेट से मेल नहीं खा रही थी। इसकी पूंछ काफी लंबी और पतली थी और इस कॉमेट के अगले हिस्से के इर्द गिर्द कुछ अजीब सा हो रहा था। ये बताना मुश्किल था कि क्या हो रहा है, लेकिन जो भी था दिलचस्प था। इस धुंधली सी तस्वीर में प्रोब जैसा एक आर्म इसके मुख्य संरचना से बाहर की तरफ निकल रहा था। जब हमारी सोलर सिस्टम से इस अजीब सी चीज के गुजरने की खबर फैली तो नासा ने अपने सबसे ताकतवर औजार का इस्तेमाल करके इस पर करीबी निगाह डालने का फैसला किया। ये था हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसके करीब 2.5 मीटर चौड़े विशाल आईने से तस्वीरों को सीधी नासा के वैज्ञानिकों तक भेजा गया। उन्होंने जो कुछ देखा उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हमने जब पहले पहल इसे देखा तो लगा कि ये सामान्य नहीं है, ये तो प्राकृतिक भी नहीं है। हम स्क्रीन पर इसकी तस्वीरें देखकर हैरत में पड़ गए। आसमान में एक्स अक्षर जैसा एक आकार बना हुआ था। वहाँ एक एक्स आकार था। एस्ट्रोनॉमी में एक्स आकार आमतौर पर नहीं पाया जाता। ये एक्स जैसा क्यों दिख रहा था? ये कुदरती तौर से बनी कोई चीज नहीं लग रही थी। इस चीज की रफ्तार थी 17,600 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये कोई संरचना थी? क्या ये कोई स्पेसक्राफ्ट था? इस विशाल एक्स की लंबाई 2400 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। पृथ्वी पर तो ऐसी मशीन बनाई ही नहीं जा सकती थी, लेकिन साथ ही ये कुदरती तौर पर बनी किसी चीज से मेल भी नहीं खा रही थी।
एस्ट्रोनॉमर जे जे कैवलार्स इस चीज को देखकर हैरत में पड़ गए। उनका कहना था कि एक्स जैसी लगने वाली ये चीज एक अजीब सी घटना का नतीजा है, शायद दो शुक्र ग्रहों में आपस में टक्कर हो गई थी। जब हम सिमुलेशन करते हैं तो नजर आता है कि ऐसी टक्करों से ऐसी संरचनाएं बन सकती हैं। लेकिन ये बात अभी सिर्फ एक थ्योरी थी। हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम नहीं जानते। ब्रह्मांड की फितरत ऐसी ही है। शायद हमें ये बात कभी पता ना चले कि ध्वनि की रफ्तार से भी 15 गुना ज्यादा गति पर आगे बढ़ता चमकता एक्स किसी दूसरे ग्रह के जीवों की कोई निशानी हो सकती है या नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी किसी चीज की रफ्तार इससे कम होनी चाहिए। शायद वहाँ जीवों को प्राकृतिक तौर पर प्रजनन करने में 10,00,000 साल लग जाए। जबकि कुछ अन्य उम्मीद करते हैं कि दूसरे ग्रह के वासी हमें पहले नहीं ढूंढेंगे। लाखों साल की उम्र वाले अजीबो गरीब जीव जिनकी रफ्तार बहुत धीमी है और जो रहते हैं एक बेहद बदबूदार और खतरनाक ग्रह पर। उनके जीव रूप हमसे इतने ज्यादा अलग तरह के होंगे, ना तो हम उनकी कल्पना कर सकते हैं और ना ही वो हमारी। और ऐसे अजीब जीव हमारे ब्रह्मांड में ही मौजूद हो सकते हैं। अंतरिक्ष में 7 साल तक घूमने के बाद कसिनी ऑर्बिटर आखिरकार सन 2004 में शनि ग्रह पर पहुंच गया। इसके साथ एक बेहद कीमती चीज भी गई थी। ये थी ह्यूयंस प्रोब और इसका मिशन था इसके छल्ले वाले ग्रह के सबसे रहस्यमय चंद्रमा टाइटन पर उतरना। इस चंद्रमा पर हमेशा बादल छाए रहते हैं, इसलिए हम अभी तक इसकी सतह को नहीं देख पाए हैं। जब ह्यूमंस टाइटन की वायुमंडल में से नीचे उतरता है तो मिशन कंट्रोल को एक बहुत सी अजीब तरह का भूदृश्य नजर आता है। टाइटन पर तो पहाड़, नदियां, यहां तक कि झीलें भी मौजूद है। हमें अंदाजा भी नहीं था कि जब हम टाइटन पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल वैसी सतह मिलेगी जैसे यहां पृथ्वी पर मौजूद है। कुछ लोगों को टाइटन प्रागैतिहासिक काल वाली पृथ्वी जैसा लगता है जब इस पर जीवन नहीं था। टाइटन वैसा ही लगता है जैसी पृथ्वी अपनी विकास प्रक्रिया की शुरुआती दौर में नजर आती होगी। दिखने में बेशक ये पृथ्वी जैसा लगता है, लेकिन हमारी नदियां और झीलें पानी से भरी हैं, जबकि टाइटन पर इनमें ठंडी तरल मीथेन मौजूद है। और पृथ्वी पर मीथेन का एक स्रोत है जीवों के मल से निकलने वाली बदबूदार गैस, जो जीवन की देन है। हम जानते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर मीथेन को मुख्य रूप से जीव ही पैदा करते हैं, तो टाइटन पर मौजूद इस मीथेन को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि कहीं टाइटन पर जीवन तो नहीं है। कहीं उस तरल में जीवन तो नहीं है जो उसे वैसा ही इस्तेमाल कर रहा हो जैसे पृथ्वी पर मौजूद जीव पानी को करते हैं। अगर पानी में जीवन हो सकता है तो मीथेन में क्यों नहीं हो सकता? जीवन तो जीवन है, बस उस रूप में नहीं जिसमें हम इसे पहचानते हैं। लेकिन टाइटन का औसत तापमान 0 से 178 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो पृथ्वी जैसा कोई जीव तो वहाँ जिंदा रह ही नहीं सकता। ये सोचना एक बहुत बड़ी भूल होगी कि टाइटन पर जीवन पृथ्वी के जीवन से मिलता जुलता होगा। पानी में रहना तरल मीथेन में रहने के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग है। टाइटन का तापमान इतना ठंडा है कि मीथेन में रहने वाले किसी भी जीव रूप की रफ्तार बहुत ही धीमी होगी। टाइटन पर तापमान इतना कम है कि वहाँ जीवन की रफ्तार इतनी धीमी होगी कि शायद वहाँ जीवों को प्राकृतिक तौर पर प्रजनन करने में 10,00,000 साल लग जाएं। वो कागज की किसी बड़ी समतल शीट जैसे हो सकते हैं। वो अपने शरीर की सतह के फैलाव को अधिक से अधिक करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि वो बहुत ही कम तापमान पर जीते हैं। कम तापमान में चीजों की गति घट जाती है। अगर हमें टाइटन पर जीवन मिलता है तो वे यकीनन पृथ्वी के जीवन से एकदम अलग तरह का होगा।
ब्रह्मांड की विशालता में ऐसे जीव रूप छिपे हो सकते हैं जो अरबों साल के दौरान विकसित हुए हैं। ऐसी प्राचीन सभ्यताएं टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमसे कई ज्यादा उन्नत होंगी और उनके हथियारों से हमारे ब्रह्मांड की बनावट के लिए ही खतरा पैदा हो सकता है। परिक्रमा करते एक उपग्रह ने एक डेथ रे यानी जानलेवा किरण का पता लगाया। ये चीज कहां से आ गई? विशाल काय एक्सरे पल्स ब्रह्मांड में आगे बढ़ जाती है। क्या सिग्नल से निकलने वाली एक्सरे तरंगे एक हथियार हो सकती हैं? एक्सरे बीम के पीछे मौजूद ताकत ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विध्वंसकारी शक्ति हो सकती है। हो सकता है कि बेहद उन्नत सभ्यताएं आपस में युद्ध कर रही हों। जैसे ही ये बीम हमारी सोलर सिस्टम से टकराई, नासा फौरन सक्रिय हो गया। दिसंबर सन 1970 में एक छोटे से एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट उहुरु को अंतरिक्ष में भेजा गया ताकि वहां एक्सरेस का पता लगाया जा सके। एक्सरे बहुत ही ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं। इनमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। पृथ्वी पर वायुमंडल हमें एक्सरे तरंगों से बचा लेता है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए नुकसान की बात है, पर आम इंसान के लिए नहीं, क्योंकि एक्सरे उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। हम एक्सरे का इस्तेमाल थोड़ी मात्रा में मेडिकल मकसदों के लिए करते हैं ताकि मास के आर पार जाकर बीमारी का पता लगा सके। ज्यादा ऊर्जा वाली एक्सरे तरंगों को फोकस करके कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है। लेकिन पृथ्वी से ऊपर उहुरु एक्सरे तरंगों की एक ऐसे स्रोत का पता लगाता है जो पृथ्वी पर तमाम जीवों को मार सकने लायक एक्सरे तरंगों से अरबों गुना ज्यादा ताकतवर है। पता चला कि एक्सरे का ये स्रोत सूर्य से या आपस की चीजों से हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जो शायद सैकड़ों और हजार प्रकाश वर्ष दूर है। डेथ रे दरअसल सिग्नस के तारामंडल से आ रही है। वैज्ञानिक एक्सरे तरंगों की स्रोत को नाम देते हैं सिग्नस X1, लेकिन कोई भी इसे देख नहीं सकता। आखिर ये है क्या? ये कोई और सितारा भी तो हो सकता है। ये इतनी एक्सरे तो पैदा नहीं करते कि हम उन्हें 1000 प्रकाश वर्ष दूर से देख पाएं। जहां तक सिग्नस X1 की बात है, हम ये ठीक से समझ ही नहीं पाए कि ये क्या था। आखिर कौन सी चीज इन एक्सरे तरंगों को पैदा कर रही थी? ये सितारे तो नहीं थे? कहीं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गतिविधि तो जिम्मेदार नहीं थी? कहीं ये अंतरिक्ष के बेहद उन्नत हथियार तो नहीं थे? सुनने में शायद ये बात विज्ञान कथा लगे, लेकिन एक्सरे हथियार मौजूद है। ये रोनाल्ड रेगन के स्टार वॉर्स कार्यक्रम का एक हिस्सा था। हमें खुद को परमाणु हमले से बचाना होगा। इसका एक पहलू था सूक्ष्म एटम बमों को इस तरह सटीक ढंग से इस्तेमाल करना कि उनके धमाके की ताकत एक्सरे तरंगों से बनी किसी लेजर जैसी हो। बेहद ताकतवर एक्सरे तरंगों के जरिए गाइडेड मिसाइलों को नष्ट किया जा सकता है। अब जरा एक पुरानी एक ऐसी सभ्यता के बारे में सोचिए जिसके पास लाखों साल से लेजर मौजूद हो, वो भला क्या कर सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत ही एहतियात बरतेंगे और बहुत ज्यादा जरूरत के वक्त ही इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सिग्नस X1 तो ये एक बहुत ही विध्वंसकारी युद्ध का एक हिस्सा है। इससे पैदा होने वाली ऊर्जा इसे हासिल करने की कोशिश करने वाली किसी भी सभ्यता को बर्बाद कर सकती है। इसे फायर करने के बाद आपको झटपट वहां से भागना होगा। लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि सिग्नस X1 फोर्स प्राकृतिक होगी। सन 2009 में बेहद ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिकों को इस ताकत के बारे में एक सुराग मिला। ये एकदम स्याह था, इसमें से रोशनी नहीं निकल रही थी, फिर भी इसमें से एक्सरे रेडिएशन निकल रहा था। ये कोई इंटरस्टेलर युद्ध नहीं था, ये तो नतीजा था एक ब्लैक होल का। ये ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर शक्ति है। दम तोड़ चुका कोई तारा अपने आसपास मौजूद हर चीज को निगल जाता है। वहाँ मौजूद तमाम मासिक स्पेस टाइम को एक फनल में खींचता जाता है और यह प्रक्रिया इतनी तेज हो जाती है कि बच निकलने की कोशिश करने वाला प्रकाश भी कामयाब नहीं हो पाता। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि ये आसपास मौजूद किसी सितारे को बर्बाद कर देती है। जब ये ब्लैक होल्स सितारे को निगल रहा होता है तो इसका बेहद गर्म मैटर एक्सरे पैदा करता है और यही सिग्नस X1 की एक्सरे पल्स को उत्पन्न करता है। इस तारे को बनाने वाला मटेरियल धीरे धीरे ब्लैक होल में खिसता जाता है और आखिरकार
ब्लैक होल की जबरदस्त ताकत के आगे दम तोड़ देता है। मुझे भी कहानी मजेदार लगती है कि सिग्नस X1 दूसरे ग्रहवासियों का एक एक्सरे हथियार है, लेकिन नहीं, ये एक ब्लैक होल है। और ब्लैक होल भी मजेदार होते हैं। गैलेक्सी के बीच में मौजूद ऐसा एक ब्लैक होल जो हमें घुमाता रहता है, ये कमाल की चीज है। सिग्नस X1 से निकलने वाले अजीब सिग्नल तबाह करने वाली किसी ऐसी परग्रही टेक्नोलॉजी का सबूत नहीं है जो पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर हो, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी के नजदीक ही एक परेशान करने वाली चीज को फिल्माया है जो नॉर्दर्न लाइट्स में मंडरा रही थी। तो क्या ये उनसे हमारा पहला संपर्क है? किसी चीज ने पृथ्वी के वायुमंडल पर हमला कर दिया है। लग रहा था जैसे ये कोई क्राफ्ट हो। ये चीज स्टार ट्रैक स्टारशिप एंटरप्राइज जैसी लग रही थी। ये ऑरोरा बोरालिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स के बीच मंडरा रही थी। मुझे लगता है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। ये इंटेलिजेंस लाइफ और उसके संपर्क की दिशा में पहला कदम है। क्या ये वाकई पहला संपर्क है या देखने वाले की नजर का धोखा है? सन 2006 में 13वां क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा। अगले 6 महीने के दौरान उन्होंने करीब 3000 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। नासा के एस्ट्रोनॉट और फोटोग्राफर जेफ विलियम्स ने हर चीज की तस्वीरें खींची, चाहे स्टेशन के अंदर की जिंदगी हो या रेगिस्तान, ज्वालामुखी, पृथ्वी पर मौजूद मौसम प्रणालियां, और साथ ही दुनिया की सबसे ऊपरी हिस्से में नजर आने वाला दिलचस्प लाइट शो। हमें अंतरिक्ष से कौन सी सबसे खूबसूरत चीज नजर आती है? ऑरोरा। जब भी हम ऑरोरा के नजदीक पहुंचते हैं, सब लोग अपना काम छोड़कर खिड़की के पास इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब जेफ विलियम्स ऑरोरा की तस्वीरें खींचते हैं तो वो सिर्फ इसके अंदरूनी रोशनी को ही कैद नहीं करते, वो तो विज्ञान कथा का हिस्सा लगने वाली एक चीज की भी तस्वीर ले लेते हैं। ये हमारे ऑरोरा में पार्क हुए एक स्पेसक्राफ्ट जैसा लगता है। कमाल की चीज है। कोई स्टारशिप इत्तेफाक से ही नॉर्दर्न लाइट्स के ऊपर आसमान में नहीं मंडराएगा। ऑरोरा बोरियालिस दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना है। क्या ये मुमकिन है? मुझे लगता है मुमकिन है कि ये क्राफ्ट वायरलेस तरीके से ऑरोरा बोरियालिस के अंदर से ईंधन ले रहा हो। और अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे चारों तरफ ऊर्जा का एक स्रोत है, उन्हें हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन परग्रहवासी कर सकते हैं। अगर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में कोई गड़बड़ी होती है तो वो अगर इसकी स्थिरता को प्रभावित करती है तो वो खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एक खूबसूरत लाइट शो ही नहीं है, ये ताकत के ऐसे पैटर्न है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होते हैं। ये उन चार्ज पार्टिकल से हमारे ग्रह को बचाते हैं जो सौर धमाकों की वजह से अंतरिक्ष में दौड़ते रहते हैं। अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड नाकाम हो जाए तो हम पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य से आते तमाम रेडिएशन को झेलना पड़ेगा। अगर हमारे ग्रह के इर्द गिर्द इन चार्ज पार्टिकल्स को ध्रुवों तक पहुंचाने वाला मैग्नेटिक फील्ड ना हो जहां इन कणों से खूबसूरत ऑरोरा बनता है, तो हम पृथ्वी की सतह पर मुश्किल में पड़ जाएंगे। सोलार फिजिसिस्ट को ये नहीं लगता कि ये परग्रही वासियों की तरफ से पृथ्वी की तरफ भेजा गया एक यान है। ये कोई स्टारशिप नहीं है। इसे स्टारशिप बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। शायद किसी कॉस्मिक रे की वजह से कैमरे के डिटेक्टर को नुकसान पहुंचा होगा। ऐसा लगता है कि इस तरह की शानदार चीजों को कॉस्मिक रेस कहकर दरकिनार कर दिया जाता है। हमने एक पल के लिए जो चीज देखी थी वो क्या हो सकती थी? इसे कॉस्मिक किरणें तो बताना बहुत आसान सी बात है। कोई नहीं जानता कि ऑरोरा पर मंडराने वाली चीज एक स्टारशिप ही थी, लेकिन ये पलक झपकते ही गायब हो गई। शायद इसने अपना मिशन पूरा कर लिया था और ये अपने ग्रह लौट गई। मेरी परवरिश विज्ञान कथाएं पढ़ते हुए हुई तो मैंने जब तस्वीर में इस छोटे से धब्बे को देखा तो मुझे लगा कि शायद हम पर कोई नजर रख रहा है, लेकिन तभी मेरे अंदर का वैज्ञानिक जागा और उसकी वजह ढूंढने लगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसी बातों पर भरोसेमंद वजह मिल ही जाए। और ऐसे याद आते हैं पुराने मजेदार किस्से कहानियां।
बीती सदियों में जब खोजी अपने सफर से लौटते थे तो अपने साथ अजीबोगरीब जीवों की मजेदार कहानियां भी लेकर आते थे। और अब सैकड़ों सालों बाद अंतरिक्ष के खोजी भी ऐसी चीजों को देखते हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अटलांटिस ह्यूस्टन गोपनीय शटल मिशन के एक महत्वपूर्ण पल के दौरान एक बाधा पैदा हो गई। अचानक पहले जो एक चीज नहीं थी वो वहां आ गई। अंतरिक्ष में एक अजीब सी चीज उड़ती दिखाई पड़ी। वो सांप की तरह चल रही थी। क्या हमारे वायुमंडल के ऊपर भी जीव जंतु रहते हैं? उसकी पूंछ वहां थी, ठीक वहां। पृथ्वी से 368 किलोमीटर ऊपर। अब आपको मनोवर टू शुरू करना है। स्पेस शटल अटलांटिस गुप्त रूप से अंतरिक्ष में काम कर रही थी। एस्ट्रोनॉट स्टोरी मसग्रेव ने एक गोपनीय सैनिक उपग्रह तैनात किया। ये एक इंफ्रारेड सैटेलाइट था, बहुत ही ताकतवर। इसमें रॉकेट लॉन्च का पता लगा सकने वाला इंफ्रारेड कैमरा था। लाखों डॉलर लागत की इस जासूसी सैटेलाइट को रिलीज करने के बाद ये ठीक लग रहा है। स्टोरी ने आखिरी बार इस पर नजर डाली। मैं सीधा उसके पिछले हिस्से को देख रहा था, लेकिन तभी अचानक वहां ना जाने कहां से एक चीज आ गई। जो पहले वहां नहीं थी। ये एक सांप जैसी कोई चीज थी जिसकी लंबाई 2 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी। स्टोरी इस चीज को अंतरिक्ष में मंडराते देखते रहे। वो चीज अपने बलबूते पर आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी उस दिशा में, और उसका पिछला हिस्सा वहां था, ठीक वहां पर। इस अजीब और कुलबुलाती सी चीज ने नासा को भी चौकन्ना कर दिया। जिम ओबर्ग ने इस वीडियो की फुटेज की जांच की और इसकी कोई ताकीरक वजह ढूंढने लगे। हम जानते हैं कि शटल से टूटकर अलग होने वाली ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। ये टाइलों के बीच में मौजूद इंसुलेशन के टुकड़े हो सकते हैं। ये पेलोड पर मौजूद स्ट्रैप डाउन हो सकते हैं, और इन पेलोड को लगाने के लिए जो मुख्य प्रणालियां होती हैं उनमें भी ऊपर की तरफ उछलने वाली कुछ चीजें मौजूद होती हैं। टेक ऑफ से पहले शटल के हर नट बोल्ट की बहुत ध्यान से जांच की जाती है। इसलिए नासा का मानना था कि किसी गुमशुदा हिस्से की पहचान करके इस रहस्य को सुलझा लिया जाएगा। मेन गियर टचडाउन। लेकिन जब स्टोरी ने शटल के उतरने के बाद उसकी प्रणालियों की जांच की तो रहस्य और गहरा हो गया। पृथ्वी पर उतरने पर यह यान एकदम सामान्य था। ऐसी कोई भी चीज गायब नहीं थी जो गायब नहीं होनी चाहिए थी। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अगर ये इंसान की बनाई कोई चीज नहीं थी तो फिर कुछ और भी हो सकती थी। स्टोरी मसग्रेव अंतरिक्ष में मौजूद जीवन की संभावना से इनकार नहीं करते। अंतरिक्ष अपने आप में कोई बेरहम जगह नहीं है। सिर्फ इंसान को ऐसा लगता है, बस ये इंसान के रहने योग्य जगह नहीं है। जीवन शक्तिशाली है। ये सभी तरह के माहौल में पैदा होता है, पनपता है और बना रहता है, और मुझे लगता है जीवन हर कहीं है। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दुश्वार माहौलों में भी जीवों के मिलने से स्टोरी की इस उम्मीद की पुष्टि होती है। कहने का मतलब ये है कि जीवन हमें हर तरह की अजीबोगरीब जगहों में मिला है। ये चट्टान में बेहद ऊंचे तापमान पर बहुत ज्यादा दबाव वाली जगहों पर भी मिला है। लोगों को ऐसा नामुमकिन लगता था, लेकिन जीवन मिला। यानी आप ऐसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। 8.1 ब्रावो। सन 2007 में कीड़े जैसे कुछ छोटे जीवों को ऑर्बिट में भेजा गया जिनका नाम था टार्डीग्रेड। 10 दिन तक वैक्यूम में रहने के बावजूद ये छोटे छोटे अंतरिक्ष यात्री जिंदा और सही सलामत नजर आए। इन कीटों की सहन शक्ति वाकई कमाल की है, लेकिन नासा के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट क्रिस मक्के को नहीं लगता कि कोई चीज हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रह सकती है। हम ये सोच सकते हैं कि जीवन किसी ग्रह पर ना होकर अंतरिक्ष में तैरता रह सकता है। यकीनन वहां सूर्य से काफी ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी जीव को जिंदा रहने की बाकी चीजें कहाँ से मिलेंगी? उसे ताजा पोषक तत्व कैसे मिलेंगे? वो अपने मल को कहाँ ठिकाने लगाएगा? सांप जैसी इस डरावनी चीज को पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, और इसके बारे में नासा आज तक कोई सरकारी बयान नहीं दे पाया है। लेकिन जहाँ तक स्टोरी मसग्रेव का सवाल है, अंतरिक्ष की ईल से हुई उनकी ये मुठभेड़
ये बताती है कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितनी कम जानकारी रखते हैं। हम अंतरिक्ष में मौजूद चीजों के बारे में कितनी समझ रखते हैं? हम कुछ नहीं जानते, और वो खुद अपना खुलासा करने वाला नहीं है। हम तो पृथ्वी से सबसे करीबी पड़ोसी पर मिलने वाली चीजों को भी नहीं समझते। हम तो अपने डर को छिपाने के लिए उन्हें नाम तक दे देते हैं। आगे देखिए नासा के रहस्यमय मून पिजन। इन मून पिजन के आते ही सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। अपोलो 10 का लूनार मॉड्यूल बर्बादी से चंद सेकंड ही दूर है। अपोलो 10 का लैंडिंग से पहले वाला आखिरी मिशन तबाही के इतना करीब पहुंच गया था। कहीं किसी ने नासा की यान के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की थी? इन मून पिजन के आते ही सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। मई सन 1959 अपोलो 10 के चांद तक के 8 दिन के मिशन की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित था। अपोलो 10 दरअसल अपोलो 11 की लैंडिंग की तैयारी के सिलसिले में एक तरह की फुल ड्रेस रिहर्सल थी, लेकिन अपोलो 10 को लैंड नहीं करना था, उसे तो सतह से करीब 13 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचना था। मदरशिप से अलग होने के बाद लूना मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से करीब 13 किलोमीटर ऊपर चक्कर काटते हुए अगले अपोलो मिशन के वास्ते लैंडिंग वाले इलाके की पैमाइश करने लगा। चांद के सतह के करीब पहुंचने के दौरान उन्हें लॉकिंग करनी थी, क्योंकि बिना सही ऊंचाई जाने वो मुश्किलों में फंस सकते थे। लेकिन कमांड मॉड्यूल के ट्रांसपॉन्डर नाकाम हो जाने से ये मिशन मुश्किल में फंस गया और लूनार मॉड्यूल अंतरिक्ष में लटका रह गया। लॉक किए बिना ये वापस कमांड मॉड्यूल के साथ जुड़ नहीं सकता था। उन लोगों ने मैनुअल तरीके से इसे कंट्रोल करना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। बार बार कोशिश के बावजूद इसने काम नहीं किया, तो उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश करने की सोची। तो मिशन कंट्रोल के कंसोलों पर भी और बैक रूम में भी लोग ये जानने की कोशिश में जुटे थे कि वो इसका क्या समाधान निकाल सकते थे। लूना मॉड्यूल पायलट यूजिन सर्नन ने इस तमाम अफरा तफरी को कैमरे में कैद कर लिया। जब उनका यान कमांड मॉड्यूल के ऊपर मंडरा रहा था, तो सर्नन ने अपने कैमरे में यान के नीचे मौजूद एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की जो एक अन्य स्पेसक्राफ्ट जैसी लग रही थी। नासा के पास इस तरह की चीजों के लिए कोड है, वो इन्हें कहते हैं मून पिजन। ये उस फिल्म का एक हिस्सा है जिसकी वजह से नासा ने खिड़की से बाहर नजर आने वाली उस चीज का अध्ययन शुरू किया जिसे वो कहता है मून पिजन। नासा इन चीजों को मून पिजन्स कहता है। ये बड़ी अजीब बात है, ये एक विचित्र टाइटल है। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अंतरिक्ष में कबूतर नहीं उड़ते हैं। मून पिजन्स जिस तरह झटपट नजर आया था, उसी तरह कुछ ही पलों में गायब भी हो गया, और लूनार मॉड्यूल के अंदर हालात भी पहले से बेहतर हो गए। उन्होंने आखिरी बार टॉगल स्विच को ऑन किया तो रडार सिस्टम काम करने लगा, उन्हें आंकड़े मिलने लगे। उन्होंने ये बात मिशन कंट्रोल को बताई और उन्हें चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ने की इजाजत मिल गई। उसके बाद मिशन बिना किसी और मुश्किल के पूरा हो गया। लेकिन जब सर्नन की फिल्म आम लोगों तक पहुंची, तो कुछ लोगों को लगा कि मून पिजन का इस तरह अचानक नजर आना कोई इत्तफाक नहीं हो सकता। शायद हमें चेतावनी दी जा रही थी, यहाँ से दूर रहो और वापस मत आना। कुछ लोगों को लगता है कि एक उन्नत इंटेलिजेंस ने शायद अपोलो की प्रणालियों को जाम कर दिया था, और कई कहते हैं कि मिलनसार परग्रहवासियों ने शायद ट्रांसपॉन्डर को किसी तरह ठीक कर दिया था। मुझे लगता है कि दूसरे ग्रह के वासी शायद हमें लेकर काफी चिंतित होंगे। किसी भी उन्नत सभ्यता का पहला नियम होता है अपने आस पास मौजूद पिछड़ों पर नजर रखना। इस मून पिजन के मकसद के बारे में बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन नासा को ये नहीं लगता कि दूसरे ग्रह के वासियों ने अपोलो 10 मिशन में बाधा डाली थी। उन्हें ये मून पिजन अंतरिक्ष में तैरता मलबा लगता है। यहाँ एक बार फिर नासा अपने उसी पुरानी बहाने की मदद लेता है कि ये चीज तो अंतरिक्ष में मौजूद एक मलबा था,
इन गड़बड़ियों को मून पिजन कहकर नासा इन्हें मामूली बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि जब एक मून पिजन नजर आता है तो सब कुछ गड़बड़ाने लगता था। सिर्फ दो अपोलो मिशंस के दौरान 6 मून पिजन नजर आने की बात कही गई। सन 1970 में नासा ने मून पिजन पर एक रिपोर्ट बनाई। उसका कहना था कि ये अंतरिक्ष में तैरता हुआ मलबा था और नासा ने इस मामले की फाइल बंद कर दी। नासा को आज तक अपने किसी भी मिशन में चंद्रमा पर जीवन के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन एक अनोखे प्रयोग में शायद मंगल ग्रह पर जीवन की निशानियां मिली है। ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक हो सकती है। तो फिर हम इसके बारे में जानते कैसे नहीं? एक दूर दराज ग्रह पर जीवन की खोज चल रही है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं मालूम, सब लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। एक कमाल की खोज को दबा दिया जाता है। अगर ये गलत है तो बताइए ये गलत है, चुप्पी का क्या मतलब? एक शख्स कई दशकों से दुनिया को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मैं पिछले 40 साल से अपने नतीजों और उनमें यकीन करने के लिए जूझता रहा हूँ। क्या नासा द्वारा हाल ही में मंगल ग्रह पर भेजा गया प्रोब किसी परग्रही को खोज पाएगा? एक इग्निशन हो गया है यान उठ रहा है। सन 1975 में नासा ने वाइकिंग 1 को लॉन्च किया। मानव वाले इस पहले यान को मंगल ग्रह पर उतरना था। इसका मिशन था मंगल पर जीवन की खोज। जब वाइकिंग इस ग्रह की सतह की तरफ उतर रहा था तो नासा इंजीनियर डॉक्टर गिलबर्ट लेविन मिशन कंट्रोल से इस पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही वाइकिंग वहां उतरा, वाइकिंग उतर गया, बहुत बढ़िया। सब लोग बहुत जोश में आ गए, इसका आकर्षण जबरदस्त था। लैंडर को एक रेडियो एक्टिव सूप का इस्तेमाल करके मंगल पर जीवन का पता लगाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसका मैकेनिकल फ्लॉ जमीन से लाल शुष्क मिट्टी इकट्ठा करने लगा। उन्होंने मंगल ग्रह की मिट्टी उठाई और उस पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला। ये मछली पकड़ने जैसा काम था, यानी चारा डालकर मछली फंसने का इंतजार करने की। दरअसल इस मिट्टी में मौजूद संभावित सूक्ष्म जीवों को खुराक दी जा रही थी, और अगर इसे खाकर वो कोई गैस बनाते तो वो रेडियो एक्टिव होती और इस तरह उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। बात साफ थी, रेडियो एक्टिव गैस नहीं तो जीवन नहीं। 40 मिनट तक सेंसर निष्क्रिय रहे। अचानक ही हमें प्रतिक्रिया मिलने लगी। हमें अपने सैंपल से प्रति मिनट रेडियो एक्टिव गैस के हजारों काउंट मिलने लगे। नासा ने मिशन से पहले हमें ये कहा था कि वो इस तरह के सबूत को मान लेगा। एक नासा मिशन के दौरान ये नासा की स्वीकृति वाला प्रयोग साबित हुआ। इसने जीवन की मौजूदगी की पुष्टि कर दी। वाइकिंग ने ये प्रयोग दोहराए, सभी ने इन जीवों की मौजूदगी की पुष्टि की, यानी मंगल ग्रह पर जीवन है। मैंने फौरन शैंपेन की एक बोतल और बड़ा सा सिगार मंगवाया। लेकिन जब नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो गिलबर्ट को ये देख हैरानी हुई कि उनसे अपने नतीजे को लेकर ज्यादा उत्साहित ना होने को कहा गया। उन्होंने मुझे सबसे आखिर में बोलने का मौका दिया और मुझे चेतावनी दी कि मुझे मंगल ग्रह पर जीवन मिलने की बात नहीं करनी है। भला इस सूचना को सार्वजनिक करने में क्या नुकसान है? ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक हो सकती है। नासा के मुताबिक इसकी वजह एकदम सीधी सादी है। गिलबर्ट के नतीजे जीवन का पता लगाने से जुड़े दो अन्य नमूनों पर किए गए प्रयोग से मेल नहीं खाते हैं। वो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कणों को खोजते हैं जिनमें सामान्य तौर पर जीवन होना चाहिए, पर उस मिट्टी में वो नहीं मिले। उन्होंने कहा भूल जाओ, मंगल ग्रह की मिट्टी में जीवन नहीं है। इस सबूत के अभाव में नासा मंगल ग्रह पर जीवन मिलने की बात नहीं मानता। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिना हम ये नहीं मानेंगे। लेकिन अब अनिश्चितता के लगभग 4 दशक बाद
नए सबूत ये बता सकते हैं कि नासा के अन्य प्रयोग गिलबर्ट के नतीजों के साथ मेल क्यों नहीं खा रहे थे। हो सकता है कि गिलबर्ट की बात सही हो, हम भ्रम में हैं क्योंकि वो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये है तो बायोलॉजिकल कंपाउंड ही। सन 2008 में नासा ने इस ग्रह की पूरी सतह पर नमक के विशाल भंडारों का पता लगाया। मंगल ग्रह की खोजबीन से एक हैरत अंगेज नतीजा ये मिला कि मंगल ग्रह का नमक पृथ्वी के नमक जैसा नहीं था, ये तो कोई अजीब ही तरह का नमक था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि मंगल ग्रह के नमक को गर्म करने पर इसमें मौजूद संभावित बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बर्बाद हो गए। वाइकिंग द्वारा किए जाने वाले अन्य प्रयोगों में भी इस उम्मीद में मिट्टी के नमूनों को गर्म किया गया कि उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलेंगे। तो अगर नमकीन मिट्टी में जीवन मौजूद था भी तो अन्य प्रयोगों ने उसे बर्बाद कर दिया होगा। इतना ही नहीं, नमक मंगल पर जीवन की मौजूदगी को छिपाने के अलावा इसकी वजूद की एक अहम वजह भी हो सकता है। हमें पृथ्वी पर ऐसे कीट मिले हैं जो जिंदा रहने के लिए इस नमक को खाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो इस नमक को खाते हैं, वो इस नमक का इस्तेमाल वैसे ही करते हैं जैसे हम इंसान ऑक्सीजन का। मंगल ग्रह भी जीवन के लिए नमक से भरपूर एक जन्नत हो सकती है। मार्स का जीवन बहुत ज्यादा अजनबी नहीं होगा, इसके बहुत से लक्षण पृथ्वी पर मौजूद जीवन जैसे ही होंगे। वाइकिंग के बायोलॉजिकल डिटेक्टर्स को मंगल ग्रह पर जीवन इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि सिर्फ गिलबर्ट की परीक्षणों में ही मिट्टी को गर्म नहीं किया गया था, जिससे उसमें नमक को खाने वाले माइक्रोवों की मौजूदगी कायम रही होगी। अब वक्त है कि गिलबर्ट के नतीजों पर फिर से नजर डाली जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि उन आंकड़ों का क्या मतलब है तो आपको अतीत में लौटना होगा। अगस्त सन 2012 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर उतरा। इसके दो लक्ष्य थे, वहां पानी के सबूत ढूंढना और ये देखना कि अतीत में वहां जीवन तो मौजूद नहीं था। इसमें एक बेहद उन्नत लैब थी जो जीवन की इस खोज को जारी रख सकती थी। मुझे ये कहना बहुत अच्छा लगेगा कि हमें मंगल ग्रह पर जीवन मिल गया है, लेकिन अभी इस सिलसिले में हमें पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अगर गिलबर्ट लेविन की बात सही है तो मंगल ग्रह के वासी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, और ये इंतजार सिर्फ मंगल ग्रह वाले ही नहीं कर रहे होंगे। शीत युद्ध के दौरान हुई एक मशहूर मुठभेड़ कुछ ऐसे मुश्किल सवाल उठाती है जिनके जवाब शायद हमें पसंद ना आए। अमेरिका और सोवियत संघ के पहली बार आपस में जुड़ रहे स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की खोज में एक नए दौर की शुरुआत कर सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन तभी कैमरे पर एक अजीब सी चीज नजर आई। आप देख सकते हैं कि कोई चीज वहां आई और गायब हो गई। ये बात बेहद अजीब थी। कहीं ये महाशक्तियां खतरनाक खेल तो नहीं खेल रही थी? एक अनजानी दुनिया भी मौजूद है, हम बहुत सारी चीजों की वजह नहीं बता सकते। क्या वो रूस के लोग थे या कोई और था, हमें नहीं मालूम। हमेशा ऐसी चीजें रहेंगी जिनके बारे में हम नहीं बता सकते। बेशक हमें ना माने पर हकीकत यही है। नासा स्पेस की खोजबीन लगातार जारी रखे हुए हैं और इस कारण हम अपने ब्रह्मांड को नए नजरिए से देखने पर मजबूर हो गए हैं। अनजान माहौल, अनजान चीजें, ऐसी शक्तियां जिन्हें हम समझते नहीं हैं। हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे स्याह हिस्सों में मंडराते रहस्यों का खुलासा जारी रखे हुए हैं, लेकिन इनमें से अनेक का राज आज भी नहीं खुला है। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो 15 फरवरी को जरूर चेकआउट करें हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं। और हाँ, सर्वे फॉर्म जरूर फिल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या फिर रिसर्च स्कॉलर हैं, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।